और वो इंटरनेशनल न्यूज है फॉरेन अफेयर्स पे आज बात करते हैं और वो ये सिलसिला है कि एक तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है वो पहुंचे हैं जापान जी सेवन समिट में शिरकत करने के लिए इनवाइट किया गया गया और वहां पर उनको सर रेड वेलकम दिया रिसेप्शन दिया गया वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची हुई और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायोलेट्रल और नॉर्मल रिलेशन रखना चाहते हैं जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं और एनवायरमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान जो पर जो कि आप हालात वगैरह दहशत गर्दी चलती रहती है वो उसकी उन्होंने बात की तो सर कैसे देख रहे हैं इसको इसके अलावा जी ट्वेंटी की भी खबर ये है कि चाइना ने उसके ऊपर जो है वो ये कहा है कि वो कश्मीर में हो रही है तो इस वजह से वो शायद नहीं वहां पर आएगा या इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी के साथ बरिस्टर साहब ओवर टू यू थैंक uh, यू जी ये जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है वो ज़ाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामला को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप को किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें वो ज़ाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत तो उस हवाले से ज़ाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है जो उनको वहां पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है और तीसरा ये है कि जापान चूंकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है तो जापान के साथ है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में जहां के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए ये है कि ये सारी चीजें जो है ना ये अब आपको इस तरह की खबरें अक्सर मिलेंगी ये मैं काफी अरसे से जिक्र कर रहा हूँ गुजशतर चार पांच सालों से कि जो कोई खबर नहीं रहेगी कि जी फला फोरम पे इंडिया को ये प्रोटोकॉल मिल गया फला फोरम का इजलास इंडिया में हो गया या किसी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फोरम पे या पॉलिटिकल फोरम पे जो है उनकी जो अहमियत है क्योंकि वो मैंने पहले अर्ज की थी कि इंडिया जो है ना एक सीलिंग जो होती है किसी भी मुल्क या पर्सन फॉर दैट पर्पस के आगे उसको वो तोड़ चुका है और वो अब इस इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट जो क्लब है उसका मेंबर है अब उसकी मुख्तलिफ जो है ना जेते हैं कहीं ये जी सेवन एट है कहीं जी ट्वेंटी है कहीं जो है वो एशिया पैसिफिक कहीं जो है वो अभी रिसेंटली जो फोरम उन्होंने साउथ कंट्रीज का किया था या इस तरह के बेशुमार ऐसे रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स हैं जिसमें कि उनका अपना एक मामला बन गया है तो इसको अब खबर आप ना समझें बल्कि ये इंडिया की जो अचीवमेंट्स हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप उनके में इजाफा हुआ है डिस्पाइट द फैक्ट के इंडिया का चाइना के साथ क्या तसादम चल रहा है पाकिस्तान के साथ क्या तसादम चल रहा है और उसके हल होने के जो है वो क्या चांसेस है लेकिन जो बात उन्होंने वहां की है ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपको हर फोरम पे जाके तो फिर जो है ना वो बात वहीं से शुरू करनी पड़ती है कि जी इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम है और इसका हाल ये है कि ये इस तरह होना चाहिए किसी फोरम पे आप चले जाएं आप जो है वो यूनाइटेड नेशन के फोरम पे चले जाएं वहाँ पे अगर एजेंडे पे नहीं भी है तो फिर भी जो है कहीं से कोई स्पीच आ जाएगी आप जो है वो यूनाइटेड नेशन आ, के ह्यूमन राइट कमीशन के इजलास में चले जाए एजेंडे पे नहीं है तो फिर भी दो चार इंटरवेंशन या बातें जो है वहाँ पे हो जाएंगी तो इस हिसाब से ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज है जो इंडिया के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है और पाकिस्तान के लिए भी कि ये जो है हर जगह पे अब तो लोग ये ताने देने शुरू हो जाए हो गए हैं कि जी हर जगह पे ये अपना जो है वो दुख लेके बैठ जाते हैं दुनिया का कोई फोरम हो तो इसलिए ये जो है मैं समझता हूं कि इसको अब एड्रेस करने की जरूरत है सीरियसली और जाहिर है कि जो डिफरेंसेस हैं जैसा कि मोदी साहब ने इस इंटरव्यू में फरमाया है कि हम जो है रेडी एंड विलिंग हैं जो बायलेटरल रिलेशनशिप के लिए लेकिन उन्होंने इसका जो है वो डाला है पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान इसके लिए सूरत हाल को हमवार करे अब पाकिस्तान इसके लिए सूरत हाल को क्या हमवार करे इस पास पूरे किस्से में सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और वो फैक्टर क्या है कि इंडिया ये कहता है कि इस खिते में जो दहशत गर्दी हो रही है जिसमें सर फहरिस्त जो है वो कश्मीर है या फॉर दैट परपज इंडिया के किसी बाकी हिस्से में कोई ऐसा इवेंट हो गया जैसे माजी में पार्लियामेंट में पे हमला था या उसके बाद बम्बई जो भी इस तरह के मुख्त वाकियात होते हैं तो उसमें वो ये कहते हैं कि जाहिर है कि ये चूंकि पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से ये नेक्सस बनता रहा है और बनता है तो जब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशन को इस मसले पे क्लियर नहीं करता उस वक्त तक जाहिर है तल्लुत बहाल नहीं हो सकते बल्कि ताल्लुका पे बात ही नहीं हो सकती क्योंकि उनका स्टैंड ये है कि एक ही वक्त में जो है वो पीस टाक और एक ही वक्त में दहशत गर्दी साथ, साथ जो है वो नहीं चल सकते जो कि एक बड़ी नाउन और स्टेटिड किस्म की पोजिशन है इसमें कोई नई बात नहीं और उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ही क्या आता है जी कि ये जितने वाकियात होते हैं इनसे हमारा कोई तलब नहीं है और ना ही इसमें हमारा कोई हाथ है और ना इसको हमारा इसपे को कंट्रोल है अब ये है कि इस बात को अगर मान भी लिया जाए कि पाकिस्तान का इस पर कंट्रोल नहीं है लेकिन जिस चीजों पे पाकिस्तान का जो स्टैंड होता है उस पर जब इस तरह के वाकयात आते हैं तो एक नेचुरली लोगों के जहन में सवाल ये पैदा होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे एक खास वक्त में एक खास वाक्य हुआ और वो ऐसे हालात में हुआ जिसके होने की वजह से पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसको सपोर्ट मिलती है मतलब अभी जो वाकया हुआ माजी में दो वाक्यात हुए रिसेंटली मोस्ट रिसेंट जो जी ट्वेंटी के तनाजर में हुए और उसमें जाहिर है कि पाकिस्तान ने उसको क्लियरली डिस किया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है लेकिन इसको इस तरीके से लोग देख रहे हैं कि जी ट्वेंटी के हवाले से जो पाकिस्तान का स्टैंड था कि ये कश्मीर में नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में इसका कोई इजलास और एन उसी वक्त जो है उसी स्टैंड की हमायत में अगर कोई धमाका होता है तो डिस्पाइट द फैक्ट कि उसमें पाकिस्तान का कोई हाथ ना हो लेकिन एक नेक्सस तो बनता है ना जिसको आप कहते हैं कॉमन काज या कॉमन गोल कि वो गोल कॉमन निकल के आ जाता है अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान को अपने गोल्स पे गौर करना चाहिए या उन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए जो पाकिस्तान के गोल को अपना गोल बना के तो दहशत गर्दी को उसका जरिया बना रहे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है चूंकि इससे आप दामन नहीं बचा सकते कि नहीं जी हमें पता ही नहीं भाई आपको पता नहीं है तो आपके और उनके मकासद मिलते कैसे या आप कहते हैं जी जी ट्वेंटी हमारी जिंदगी और मौत का मसला है हम नहीं होने देंगे किसी सूरत में और एन इसी वक्त जो है वो कोई आदमी उछल के एक बम फेंक देता है और उसकी मतलबा भी यही है तो इसका फिर क्या मतलब हुआ इसका मतलब तो ये हुआ ना कि या आपका गोल ऐसा है जो दहशत गर्दों के गोल से मिलता है या फिर ये है कि आपके और उनके दरमियान कोई ऐसा नक्सस है जिसके आप बुनियाद बना के तो उनको कंट्रोल कर सकते हैं कि आप ये काम ना करें लेकिन ये है कि ये जो राय बनती है वो इस तरीके से बनती है कि ये अपने मकासद के लिए सियासी और ऐसरी जिसको आप कहते हैं जराए जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं और ये स्क्री जरिया है महज ये कह देना कि इसके साथ हमारा कोई तालक नहीं इससे जाहिर है कि फिर दुनिया जो है वो कन्वेंस नहीं होती लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये गोल एक कैसे हो गया कि एक दहशत गर्द का गोल और स्टेट का गोल एक कैसे हो गया इसमें क्या कहीं कोई गलती है पॉलिसी की गलती है मैं ये समझता हूं कि इसमें पॉलिसी की गलती है पाकिस्तान को कतन कोई जरूरत नहीं थी मैं आपको सिर्फ रिसेंट इवेंट की बात कर रहा हूं कि वो जी ट्वेंटी की मुखालफत करता उसकी वजह ये है कि जी ट्वेंटी का वहां पे होना कश्मीरी अवाम के वसीतर मफादत में है इसकी वजह से ये जो कहते हैं ना इसकी डिस्प्यूटि टेरिटोरी टेरिटोरियल जो इसकी स्टेटस है उस पर कोई असर पड़ जाएगा ना ये सब करने की बातें सत्तर साल से हम सुन रहे हैं। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा और आखिर में सब कुछ हो गया तो कुछ भी नहीं हुआ मसलन जी वो कश्मीर में ये तब्दीली हो गई तो जी कश्मीर का किस्सा खत्म हो जाएगा जी अब आप देखें 2019 में जो कुछ किया मोदी साहब ने बीजेपी की हुकूमत ने वो जो है पूरी तारीख का सबसे ड्रास्टिक तरीन इकदाम था अब तो आप क्यों नहीं कहते कि मसलाए कश्मीर खत्म हो गया आप तो कहते हैं कि जी वो इसकी वजह से तो मसला कश्मीर असर न जिंदा हो गया आप तो ये कहते हैं कि पहले जो लोग हमारी बात नहीं सुनते थे अब तो वो और ज्यादा गौर से सुनना शुरू हो गए तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये पॉलिसी में एक फलाह है पाकिस्तान जो है वो नो इंग्ली या अन नो इंग्ली जब इस तरह के एक उठाएगा जो बुनियादी तौर पर दहशत गर्दों के मतालबाते हैं नंबर एक वारोंगर्स के मुतालबाते हैं नंबर दो इस खत्ते में जो है अमन के खिलाफ जो बरसरे पैकार कुतें हैं उनके मतालबाते हैं नंबर तीन या उन कुतों के मुतालबात हैं जो सिर्फ इस खत्ते में दुश्मनी और तकरीब चाहते तो फिर इसका मतलब है आपकी पॉलिसी गलत है यू हैव टू दैट पॉलिसी इसका मतलब मैं अर्गिज ये नहीं सुजेस्ट कर रहा कि आप कश्मीर पे सरेंडर कर दें जो आपने पहले किया हुआ है बल्कि मैं ये रहा हूं कि उसको रिविजिट करें कि भाई हमारी बातें जो है वो से कैसे मिल जाती हैं आखिर में जाके ओके तो साहब जब ये वाला सवाल जो है वो इस तरफ जब उठाया जाता है आपको पता है इस तरह की जब वो आते रहते हैं जब ये चलता रहता है तो इस तरफ से जो जवाब इसके ऊपर दिया जाता है वो कहते हैं कि ये तो हमारा तो स्टैंड है लेकिन फिर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे लोग या जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि सारा मलबा जो है कि भाई यही लोग कह रहे हैं तो इन्होंने करवाया ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो जवाब इस तरीके से आता है कि भाई ये तो हमें जान के हमें वो करने के लिए इस तरह की जो है वो हरकत की गई है हमने तो की ही नहीं। अच्छा सर इसमें जो ये खबर है कि जैसे चाइना ने जो कहा है कि हमने इससे पहले देखा कि चीन जो है वो तो तैयार था और तमाम कंट्रीज लेकिन क्या आप समझते हैं कि चीन का ये कहना कि वो इसमें शिरकत इस, इस वजह से नहीं कर पाएगा पाकिस्तान ने उसको इन्फ्लुएंस किया है या क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान और चीन के तलुक बड़े गहरे हो रहे हैं और आपको पता ही है जो जो कुछ इस वक्त चल रहा है तो इस वजह से अब चीन की ये मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ अगर उसने चलना है और अपने साथ पाकिस्तान को चलाना है तो उसको फिर पाकिस्तान की बात भी माननी पड़ेगी ऐसा है या कुछ और है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है जी ये बुनियादी तौर पर जो है इज़ ऑल अबाउट चाइना चीन ने जो है एक तीर से दो शिकार किए हैं जिसको आप आम जबान में एक पंथ दो काज कहते हैं उन्होंने एक तरफ तो ये तासर देने की कोशिश की कि हमें हमने पाकिस्तान की सपोर्ट कर दी है जैसे कि पाकिस्तान में लगा या इसको बना के पेश किया जा रहा है या जाएगा कि देखें जी चीन हमारा अजीम पड़ोसी है हमारे लिए जान भी दे सकता है किसी हद तक भी जा सकता है तो उसने हमारे इस काम में जो है ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया है जिसका वो खुद भी एक्चुअली ज्यादा यकीन नहीं रखते थे क्योंकि उन्होंने को बहुत ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं किया लेकिन इसमें बुनियादी तौर पे लोग एक बात को बोल रहे हैं कि ये जो कश्मीर का सारा डिस्प्यूट है इसमें चीन जो है वो एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है चीन के पास कश्मीर की एक बहुत बड़ी टेरिटोरी है लद्दाख का जो एरिया है मोस्ट ऑफ द लद्दाख का जो रकबा है वो चीन के पास है चीन के पास वो इलाके भी हैं जो पाकिस्तान ने 1962 के मायदे की रोशनी में चीन को दिए हैं और उसमें वाजह तौर पर लिखा हुआ है कि ये कश्मीरी टेरिटोरी है और जब कभी कश्मीर के मुस्तकबल का फैसला होगा तो इस टेरिटोरी के बारे में उस वक्त डिसाइड किया जाएगा यानी इसको वापस करना पड़ेगा दूसरी तरफ इंडिया के साथ जो चीन की टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो भी जाहिर है कि इसी को लेके है ना तिब्बत या लद्दाख या कश्मीर के साथ जुड़े हुए इलाके तो इसलिए ये चीन का अपना इंटरेस्ट है कि वो इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी करार दे चूंकि अगर वो इसको कहता है कि बिल्कुल डिस्प्यूट हल हो गया तो फिर उसको लद्दाख से भी दस्बरदार होना पड़ेगा जो लद्दाख चीन ने इस वक्त इंडिया ने जो है यूनियन टेरिटोरी करार दिया है उसकी वजह से चीन के अंदर सख्त बेचैनी पाई जाती है चूंकि वो ये समझते हैं कि इसकी वजह से ये सिचुएशन एक्सपेंड हो सकती है। लद्दाख के लोग जो है वो बाकी महदा इलाके जो जो हैं, लद्दाख से हिस्टोरिकली जियोग्राफिकली जुड़े हैं उनकी मांग कर सकते इस वक्त पोजीशन ये है कि कश्मीरी इंडिया और पाकिस्तान से तो अपनी टेरिटोरी मांग रहे हैं लेकिन किसी ने आज तक उस तरीके से इस किस्से को आर्टिकुलेट नहीं किया कि चीन से भी हमें मांगनी चाहिए उसकी वजह है कि जो टेरिटोरी चीन के कंट्रोल में उसमें आबादी जो है वो बहुत कम है या ना होने ना है है नहीं तो इस हवाले से लेकिन असल मतलब तो ये बनता है तो इस हवाले से उन्होंने एक तो ये याद रखना चाहिए कि जब कभी चीन कहता है कि जम्मू कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है इससे हरगिज ये मतलब नहीं लिया जाना चाहिए कि वो को कश्मीरी अवाम के मफादात की तर्जमानी करते हुए ये कहता है बल्कि वो इसलिए कहता है कि उसके अपने जो मफादात हैं वो उस टेरिटोरी के डिस्प्यूटेड स्टेटस के साथ जो है वो जुड़े होते हैं दूसरा जो है वो जो इन्होंने ये बयान दिया इस वक्त जो चाइना और इंडिया के दरमियान तल्लत हैं अगर आप गुज्तर दो तीन सालों से देखें तो वो इंडिया पाकिस्तान की नस्बत कहीं ज्यादा ख़राब है प्रैक्टिकली देखा जाए वो जो बी टू थाउजेंड ट्वेंटी में ालिबा जो है ट्वेंटी इंडियन सोल्जर्स जो है वो मारे गए थे बार्डर कॉन्फ्लिक्ट में या दूसरी तरफ चीन के कोई तीस से जायद सोल्जर जो हैं वो दरिया में डूब के मर गए थे तेज पानी की वजह से इस तरह के वाक्यात जो हैं वो ज्यादा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान नहीं होते इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ज़्यादा से ज्यादा गोलाबारी होती है हवा में तो एक आध अगर कोई गुजल्टी हो जाए या कोई कश्मीरी सिविलियन जो है उसका शिकार होते हैं जहर ज्यादा जो है तो इन हालात में ये उन्होंने जो बयान दिया है ये बुनियादी तौर पर चीन ने इंडिया के खिलाफ खुद एक जरूरत के तौर पे दिया चूंकि इस बयान की वजह से डेफिनेटली इंडिया के लिए एक काबिल सबस्टेंशल एंजाइटी क्रिएट हुई है चूंकि एवरीथिंग वाज गोइंग गुड जी ट्वेंटी वॉज ए बिग इवेंट और उसमें इंडिया गेन ही गेन कर रहा था देर वॉज नथिंग टू लूज और नथिंग टू बी रीड अबाउट तो उसमें ये आप यूं समझ लें कि वो एक बेहतरीन जो काम हो रहा था उसके अंदर उन्होंने एक डाल दिया ये बयान देने के बाद तीसरी तरफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुक के हवाले से हाल ही में पाकिस्तान ने बाकायदा ये डिसीजन लिया है कि हम जो है इंटरनेशनल जो कशम कैश है उसमें हम चीन के साथ जिसका दूसरा मतलब यह है कि अब अगर अमेरिका हमें कुछ एक, कोई ऐसा काम देता है या करने को कहता है जिसका चीन के साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो हम जो है वो काम नहीं करेंगे जिसका मतलब है कि हमने अपना सारा वजन जो है वो चीन के पलड़े में डाल दिया और ये बात उन्होंने जाके चाइनीज को आ, जो आपकी मिलिट्री लीडरशिप है और आपकी जो सिविलियन लीडरशिप है उसने जाके उनको बाकायदा पर्सनली बताया कि अब हम आपके साथ हैं तो इस ताज़ा ताजा जो आ, ये नब्बे डिग्री की जो है वो मूव है उसमें जाहिर है चीन के लिए भी ये एक बड़ा मौका था कि ये काम तो अपना कर रहा है लेकिन ये इसका सारा डाले पाकिस्तान के उसमें कि जी आपके लिए हमने इतना बड़ा रिस्क ले लिया चूंकि हम तो बड़े पुरमन लोग हैं खत्े में अमन चाहते हैं नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहते हैं ये डिस्प्यूट्स के खिलाफ हैं लेकिन हमने आपके लिए जो है ये स्टैंड जो है वो ले लिया है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन हैं और इसकी इंटरनेशनल रीजन है ये अब लोकल नहीं रहा है ये अब दुनिया के हर फोरम पे आपको इसको रिफ्लेक्ट होता नजर आएगा जिसके लिए जाहिर है दोनों तैयारी कर रहे तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसको मैं पाकिस्तान की अचीवमेंट नहीं समझता किसी भी तरीके ना इसके लिए पाकिस्तान ने कोई काम किया है जाहिर है चीन चाइना को पाकिस्तान ज्यादा ज्यादा रिक्वेस्ट ही कर सकता है ना तो रिक्वेस्ट ने करने से डिप्लोमेटिक हल्कों में एवरी सिंगल डे हंड्रेड एंड था। थाउजेंड ऑफ था। रिक्वेस्ट इधर से उधर जाती हैं जरूरी नहीं कि उस पर कोई अमल भी करे लेकिन जब चीन ने इतना सीरियस और ड्रास्टिक एक्शन लिया तो उसका मतलब यह है कि उसके अपने मफादात और उस खिते के अंदर जिस तरह की अलाइनमेंट वो कर रहा है उसका ये तकाजा था कि वो ये स्टैंड लेता बड़ा जबरदस्त तजिया जो है फरमाया तो वैसे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्स लॉर्डोशिप टाइम थै। थैंक यू